दिल दोस्ती डांस कैसी यारियां और संजीवनी टीवी इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर टीवी शोज में से एक रहे हैं, जिनमें नजर आने वाले इन सितारों के बीच की दोस्ती ने इन सभी टीवी शोज को दर्शकों के दिल में आज भी जिंदा रखा है। जिस तरह शो में नजर आने वाले किरदार एक दूसरे की दोस्ती में कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते थे, वो दर्शकों को काफी ज्यादा इंस्पायर करता था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं जहां ऑन स्क्रीन दोस्ती के रिश्तों में सितारों का एक ना एक बेस्ट फ्रेंड होता है, जिसके साथ इनका काफी अच्छा बॉन्ड होता है, उसी तरह रियल लाइफ में भी इन सितारों का एक ना एक बेस्ट फ्रेंड जरूर होता है, जिनके साथ वो खूब मौज मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं और अपनी हर एक बात शेयर करते हैं। इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको टीवी इंडस्ट्री के 6 सितारों और उनकी बेस्ट फ्रेंड से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए देर किस बात की, वीडियो शुरू करते हैं और रूबरू होते हैं उन सितारों और उनके रियल लाइफ बेस्ट फ्रेंड से। नंबर 1, रोहित सुचनती। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे शामिल है अभिनेता रोहित सुचनती, जो वर्तमान में भाग्यशाली शो में ऋषि ओबेरॉय की भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें इनके बेस्ट फ्रेंड की, तो आपको बता दें रोहित सुचनती का बेस्ट फ्रेंड कोई और नहीं बल्कि सृष्टि रोड़े हैं। जी हाँ, टीवी की मशहूर अभिनेत्री सृष्टि रोड़े के साथ रोहित का काफी खूबसूरत बॉन्ड है, जिनके साथ इनकी मुलाकात बिग बॉस में हुई थी, जिसमें ये दोनों एक दूसरे के साथ खूब मस्ती और काफी लविंग बॉन्ड शेयर करते हुए नजर आते थे। तो वहीं सालों बाद भी इनका रिश्ता वैसा ही बना हुआ है। नंबर 2, मायरा मिश्रा। रोहित के साथ भाग्यलक्ष्मी शो में नजर आने वाली अभिनेत्री मायरा मिश्रा की आज किसी पहचान की मोहताज नहीं रह गई है। वहीं अगर बात करें मायरा की रियल लाइफ बेस्ट फ्रेंड के बारे में, तो आपको बता दें इनकी बेस्ट फ्रेंड हिबा नवाब है। जी हाँ, टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर शो जीजा जी छत पर है और मेरी सासू माँ जैसे टीवी शोज में नजर आ चुकी हिबा नवाब इनकी बेस्ट फ्रेंड है। बता दें दोनों टीवी इंडस्ट्री में काम करने के दौरान काफी अच्छे दोस्त बन चुकी हैं, जो हमेशा एक दूसरे के साथ नजर आती हैं और अपनी हर एक बात शेयर करती हैं और हमेशा एक दूसरे के सपोर्ट में खड़ी नजर आती हैं। नंबर 3, सिम्बा नागपाल। जी हाँ, इस लिस्ट में नाम अभिनेता सिम्बा नागपाल का भी है और बात करें इनकी रियल लाइफ बेस्ट फ्रेंड के बारे में, तो आपको बता दें इनकी बेस्ट फ्रेंड मोनू जगतानी है, जिन्हें आप सभी ने स्प्लिट्स फ्लैश शो में देखा होगा, जहाँ शो में तो इनकी काफी अच्छी बॉन्डिंग थी ही, पर शो के बावजूद आज भी इनमें काफी अच्छी दोस्ती है, जो एक दूसरे के इमोशंस को काफी अच्छे से समझते हैं और हमेशा ही एक दूसरे के साथ हर एक मोड़ पर एक दूसरे का साथ देते हैं। नंबर 4, पूजा बनर्जी। कुमकुम भाग्य में नजर आ रही अभिनेत्री पूजा बनर्जी इस लिस्ट में 4th नंबर पर शामिल है और बात करें इनकी बेस्ट फ्रेंड के बारे में, तो आपको बता दें पूजा बनर्जी के बेस्ट फ्रेंड कोई और नहीं बल्कि पार्थ समथान है। जी हाँ, कसौटी जिंदगी में काम करने के दौरान पार समर्थन और पूजा बनर्जी एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ गए थे, जहाँ पूजा ये तक कहती थी कि पार समर्थन उन्हें काफी अच्छे से समझते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच काफी अच्छा कनेक्शन बैठता है। वहीं आपको जानकर हैरानी भी होगी, जहाँ एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बनने के बाद ये दोनों सितारे एक ही स्कूल में भी पढ़े हैं। नंबर 5, करण कुंद्रा। बिग बॉस में नजर आ रहे करण कुंद्रा आज किसी पहचान के मोहताज नहीं रह गए हैं, लेकिन अगर बात करें इनकी बेस्ट फ्रेंड के बारे में, तो जैसे कि शो में आप देख ही रहे हैं, इनकी नजदीकियां तेजस्वी के साथ साथ काफी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से हर कोई इन्हें उनकी बेस्ट फ्रेंड समझ रहा है। पर आपको बता दें इनकी बेस्ट फ्रेंड कृतिका कामरा है, जिनके साथ ये अपना ज्यादातर टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं और हमेशा ही हैंग आउट और मस्ती करते हुए भी नजर आते हैं, जिसके चलते इनका ब्रेकअप भी इनमें बिल्कुल दूरियां नहीं ला पाया है। नंबर 6, ऐश्वर्या खरे। इस लिस्ट में आखिरी नाम शामिल है अभिनेत्री ऐश्वर्या खरे का, जो भाग्यलक्ष्मी में आज लक्ष्मी की भूमिका निभाते हुए दर्शकों से काफी वाहवाही बटोर रही हैं। वहीं अगर बात करें इनकी बेस्ट फ्रेंड की, तो बता दें ऐश्वर्या खरे की बेस्ट फ्रेंड का नाम अरुणिमा है, जो कि इनकी स्कूल फ्रेंड है और इसलिए इनकी ज्यादा तस्वीरें देखने को नहीं मिलती हैं। पर आपको बता दें कि ऐश्वर्या अपनी बेस्ट फ्रेंड को सबसे ज्यादा क्लोज है, जिनके साथ इंडस्ट्री में आने के बावजूद इनका बॉन्ड पहले की तरह बरकरार है। तो दोस्तों, इन सभी सितारों और उनके बेस्ट फ्रेंड के बारे में जानकर आप क्या कहना चाहेंगे, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।